नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल एंड यू आर लिसनिंग टू अमन राउत ऑन योर पहाड़ी ब्रदर्स ऑफिशियल चैनल। जैसे कि आप लोगों से हम लोग हर बार कहते हैं दोस्तों, पहाड़ी ब्रदर्स एक ऐसा लौता चैनल है जो कि हर एक स्पोर्ट्स को कवर करने की पूरी ताकत रखता है। अगर आपको पैरिस ओलंपिक अगर किसी ने दिखाया होगा वो पहाड़ी ब्रदर्स ही होंगे दोस्तों, पूरे जोश में दिखाया था। और वैसे ही पैरालंपिक्स को डबल जोश के साथ हम लोग दिखा रहे हैं, तो हर एक मैच हर एक अपडेट आपको सिर्फ पहाड़ी ब्रदर्स देंगे। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को और शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, ताकि सबको पता चल जाए कि कौन सा चैनल है जो कि दिन रात लगा हुआ है पैरालंपियंस के साथ। पैरिस पैरालंपिक 2024 डे वन का फुल इंडिया रिजल्ट जो लोग मिस कर गए दोस्तों, ऑफिस के चलते हुए काफ़ी बिजी था स्केड्यूल, आप लोग भी जानते हैं कल वर्किंग डे था, बहुत सारे ऑफिस में लोग बिजी होंगे, पैरालंपिक को नहीं फॉलो कर पा रहे होंगे, तो उन भाइयों के लिए हम लोग लेकर आ चुके हैं एक शॉर्ट कट वीडियो, जिसमें आप लोगों को कल का पूरा डे वन हम लोग सम अप करके बता देंगे। कुछ लोग मेरे भाई पढ़ाई कर रहे होंगे, उनको ये शॉर्ट वीडियो काफ़ी मदद करने वाली है, तो इसको अंत तक देखना दोस्तों। सीधा आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए स्क्रीन की तरफ ले जाता हूँ। पसंद आए वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, नहीं आए तो आप शेयर भी मत करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 29 अगस्त को पैरा बैडमिंटन के कई सारे मैचेस हुए दोस्तों, एक एक करके आपको बताऊंगा किसमें हम जीते किसमें हम हारे। तो दोस्तों 10 मैचेस तो आपके सामने है, मिक्स डबल्स SL3 SU5 कैटेगरी, मिक्स डबल SL6, वुमेन सिंगल SL3, मेन सिंगल SL4, मेन सिंगल SL3, वुमेन सिंगल SL4 और वुमेन सिंगल SU5 के मैचेस हुए थे कल। 10 मैचेस आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गए हैं। मिक्स डबल SL3 SU5 कैटेगरी जो पहला मैच था भारत का, भारत वर्सेस भारत था, जीतना कंपलसरी था, भारत ही जीतता और कौन जीतता, ठीक है। यहाँ कोहली और यतिराज जी को हारना पड़ा और नीतीश मुर्गसेन अपने स्किलफुल गेम प्ले के प्रति जीत चुके हैं। 21-14 और 21-17 का स्कोर। फिर दोस्तों सेकंड मैच हुआ इंडिया वर्सेस यूएसए, यहाँ पर लग रहा था कहीं ना कहीं हम लोग जीत सकते हैं, पर पहला मैच 21-23 से हम लोग हारे, फिर दूसरा मैच 21-11 से, बहुत सेकेंड सेट हम लोग बहुत बुरी तरीके से हारे। थर्ड सेट की बात करें तो दोस्तों, थर्ड गेम की बात करें तो इंडिया वर्सेस इंडोनेशिया हुआ, जहां पर हमारे चांसेस थे जीतने के। पहला सेट हम जीते मानसी ग्रीस चंद्र जोशी, उसके बाद सेकंड सेट इंडोनेशिया जीता और अगेन थर्ड सेट भी इंडोनेशिया जीता। मानसी ग्रीस चंद्र अपना बेस्ट गेम प्ले दिखा के इख्तियार को हरा रही थी, जो कि वर्ल्ड नंबर वन खिलाड़ी थी। कोशिश अच्छी थी मानसी जी की, पर अभी भी वो बाहर नहीं हुई हैं, अभी भी उनके पास एक मौका है गेम को जीतने का। नाइजीरिया वर्सेस इंडिया की बात करूं, मंदीप कौर मरियम एनोला बोला जी का मैच 21-8 21-14 का स्कोर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मलेशिया वर्सेस सुकांत कदम, ये मैच 21-17 15-21 और 20-22 का था, बहुत ही रोमांचक मैच था। सुकांत कदम ने अपने से अपर सीडेड प्लेयर को हराया, बहुत बड़ी बात है। मलेशिया के बैडमिंटन प्लेयर्स को हराना एक बड़ी बात है दोस्तों, क्योंकि मलेशिया और इंडोनेशिया बैडमिंटन में काफ़ी आगे हैं। आगे बात करें दोस्तों, ब्राज़ील और इंडिया, तरुण और रोजेरियो जूनियर ज़ेवियर दे ओलिवेरिया का मैच था और ब्राज़ील को हमने हरा दिया है बिल्कुल स्ट्रेट सेट्स में 21-17 21-19 से। फिर दोस्तों यहां पर सुहास और हिकमत जी का मैच था, सुहास भाई ने भाई एक तरफा गेम खेला और जिता दिया। DM साहब ने 21-7 और 21-5 से हरा दिया है दोस्तों सुहास, यतिराज की सुप्रीमेसी आप लोग देख सकते हो। कुमार नीतीश और मनोज सरकार का मैच था, इससे तो इंडिया को ही जीतना था, तब भी इसको थोड़ा सा लंबा खींचा गया 21-13 18-21 और 21-18 का स्कोर, ताकि हम लोग कोर्ट का थोड़ा अंदाज़ा ले सकें। फ्रांस के मैच की बात करूँ, फ्रांस मेलियना सूर्यो एंड पलक कोहली जी का मैच, यहाँ पर ये मैच वुमेन सिंगल SL4 ग्रुप प्ले स्टेज का मैच था, 12-21 और 14-21 से एक तरफा भारत जीत गया। फिर दोस्तों थलुमताई मुर्गसेन का मैच इटली के खिलाड़ी के साथ था, ये भी हम एक तरफा मैच जीते हैं 21-9 और 21-11 से। सुप्रीमेसी देख रहे हो बैडमिंटन में हमारी, 5 मेडल कंफर्म होते हुए दिख रहे हैं, 5 मेडल। पैरा टाइकोंडो की बात करें तो यहाँ पर हमारी प्लेयर इंजर्ड हो गई थी, अरुणा नूरी चैन इकिनिसी के अगेंस्ट जब हम खेल रहे थे, तो हमारा राइट पैर में ही चोट लग गई थी, जिसकी वजह से हम बैलेंस नहीं कर पा रहे थे और अरुणा जी बैक टू बैक पॉइंट्स दे गई और टर्की की खिलाड़ी नूरी चैन जीत गई, वरना इतना बुरा स्कोर नहीं होता। पैरा साइकिलिंग ट्रैक की बात करूँ तो ज्योति गदेरिया का परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा नहीं था, लास्ट आई थी वो अपनी रेस में। पैरा आर्चरी में बात करूँ, शीतल देवी ने 703 का स्कोर बनाया, सरिता जी 8th या 9th में फिनिश किया। शीतल देवी रिकॉर्ड बनाने की बहुत करीब थी, वैसे उन्होंने प्रीवियस रिकॉर्ड तोड़ दिया है, पर जो आज नया रिकॉर्ड बना है वो 704 का है, शीतल देवी ने 703 का स्कोर बनाया। अगर शीतल देवी भी 704 या 705 बनाती तो एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बन सकता था, कोई बात नहीं। पैरा आर्चरी की बात करें तो हरविंदर सिंह ने भी टॉप 9 या टॉप 10 में अपनी जगह बनाई है, टॉप 10 में अपनी जगह बनाई है।
पैरा बैडमिंटन की बात करूँ तो 7:30 पे फिर से बैडमिंटन शुरू हुए थे। मनीषा रामादास और माउथ लेफर्ट का मैच था। ये मैच मनीषा रामादास स्ट्रेट सेट में जीत गई, आप देख सकते हो 21-8, 21-6, 21-19। तो आखिरी का मैच थोड़ा सा जो गेम 3 था वो डिफ़िकल्ट था, और बाकी हम लोग अच्छा खेले और जीत गए। इंडोनेशिया और इंडिया की बात करें तो शुभन शुभन और शिवरंजन जी का मैच था। 21-15 और 21-17 से स्ट्रेट सेट इंडिया हार गए थे। अब यहाँ पर इंडिया वर्सेस यूएसए का मैच था, जेसी सिमोन के अगेंस्ट निथिया श्री सोमांते सिवन एकदम घातक खेली, 21-7 21-8 पे गेम जीत गई हैं। इंडोनेशिया और इंडिया का मैच था रमादानी उक्तिला एंड नितीश मुर्गेसेन का। 21-15 और 21-8 से हम लोग हार तो गए हैं दोस्तों, पर कोई बात नहीं, आगे चल के ज़रूर जीतेंगे। यहाँ फ्रांस के मेजर नोएल एंड यतिराज कोहली जी का कल मैच था, रात को सबसे आखिरी मैच था ये। 21-15 और 21-9 से ये मैच कोहली जी हार चुके हैं, यतिराज जी हार चुकी हैं, ठीक है। और फ्रांस के मेजोर और नोएल जीत गए। पैरा आर्चरी में राकेश कुमार श्याम सुंदर स्वामी जी का मैच था। यहाँ पर आपको बता दूँ मिक्स टीम में हम लोगों ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया दोस्तों, 1399 के स्कोर के साथ कल हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है जो कि था 1398 का। राकेश जी और शीतल देवी के स्कोर को ऐड करके हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, इससे बड़ी बात हो नहीं सकती। श्याम सुंदर टॉप 15 में रहे। पैरा आर्चरी की बात करें तो दोस्तों पैरा आर्चरी में पूजा जी ने भी बहुत अच्छा स्कोर बनाया, टॉप 10 में अपनी जगह बनाई है। तो ये था कल का पूरा अपडेट दोस्तों, और हम लोग स्केड्यूल वीडियो डाल चुके हैं तो जाकर देख लेना, क्योंकि पहाड़ी ब्रदर्स एक लौता ऐसा चैनल है जो कि आपको हर एक छोटी से छोटी लेकर बड़ी से बड़ी अपडेट मिस नहीं होने देगा। बेल आइकन को दबाइए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बस इतनी सी दुआ कर रहे हैं दोस्तों। पैरा एथलीट्स को पहाड़ी ब्रदर्स पूरी शिद्दत से सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप लोग भी सपोर्ट कीजिए। फटाफट से इस वीडियो पर लाइक होने चाहिए, एटलीस्ट 500 लाइक्स का टारगेट है। पैरा एथलीट्स को सपोर्ट करते हुए एटलीस्ट 500 हमारे पैरा एथलीट्स डिजर्व करते हैं। जय हिंद जय भारत। और भी ऐसी वीडियोस के लिए पहाड़ी ब्रदर्स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद जय भारत जय पैरालंपिक्स।